राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। इधर कुछ दिनों से यह जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही हो गई, इसलिए दे दिए हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। शुरुआत से जो पत्राचार में तो कई पत्र आए गए, लेकिन जो आवश्यक था हमने आपको दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब से हमने नई पार्टी का गठन किया राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके कुछ ही दिनों के बाद से कई तरह का कंफ्यूजन पार्टी के बारे में, एक तो जिज्ञासा बस भी लोगों का सवाल कि क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एक तो जिज्ञासा जिनकी रहती है वैसे लोगों के मन का भी यह सवाल। कई लोग होते हैं जिनके मन में हमारी चिंता रहती है, हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनके मन में भी यह सवाल। कई लोग जो हमारी विशेष चिंता रखते हैं जितना जल्दी हो इसका नाश हो जाए, तो वैसे लोग भी मजा लेने के लिए इस तरह का सवाल। तो कई तरह के लोग हैं समाज में, सब लोग की ओर से सवाल उठ रहा था और मुझसे भी लोग पूछ रहे थे। स्वाभाविक था, कुछ लोगों का पूछना तो बिल्कुल जेन्युइन था। सबके मन में अलग अलग कारण है, लेकिन जिज्ञासा तो थी ही। इधर कुछ दिनों से यह जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, जब मीडिया के भी कई सीनियर लोगों ने मुझसे भी कहा क्या हुआ, तो मुझको लगा कि अब इस सवाल का जवाब लोगों को देना चाहिए या रहस्य अब ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। और रहस्य तो आज थोड़ा और बढ़ गया होगा, आपका जिज्ञासा भी बढ़ गई होगी। मेरे पीछे का बैनर आज पहले वाले रूप में नहीं है, सीधे कपड़ा लगा हुआ है। देखिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन में आवेदन दिया सुबह में और शाम में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत पार्टी गठन के उपरांत हमने इलेक्शन कमीशन के पास आवेदन दिया। इलेक्शन कमीशन को और कुछ चीज जानने की जरूरत थी, तो पत्राचार हुआ, हमने जवाब दिया और उसी प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा जो कागज आपके हाथ में है उसमें, उस वक्त जो पत्र आया उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम ऐसा नाम है जो कई पार्टियों के नाम से, जो पहले से पार्टी रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, उनसे मिलता जुलता है, इसलिए आप इसकी जगह एक पैनल दीजिए पार्टी के नाम का, जिसमें कम से कम तीन नाम हो, ज्यादा भी आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम तीन नाम। यह पत्र उसमें लगा है। उसके बाद हमने जवाब दिया, अब जवाब में तीन नाम कम से कम था, हमने पांच या छह नाम दिया। कौन कौन सा नाम दिया यह भी आपके हाथ में कागज है। उसके बाद बीच का प्रोसेस, अंतिम रूप से जब सब चीजें तय हो जाती हैं, तो फिर एक स्टेज आता है जब इलेक्शन कमीशन न्यूज पेपर में पब्लिकेशन के लिए कहता है कि इसको प्रकाशित कराइए, और 30 दिनों का समय होता है कि इस 30 दिन के अंदर किसी को भी ऑब्जेक्शन देना हो तो ऑब्जेक्शन दे सकता है। इस प्रोसेस में समय लगा और तमाम समय और प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से कल
पत्र इलेक्शन कमीशन का प्राप्त हो गया है और पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है, पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई है उस पार्टी का नाम पहले से थोड़ा बदला हुआ है। हम बाकी सब पत्र आपको दिए हैं, इसलिए दे दिए हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। शुरुआत से जो पत्राचार में तो कई पत्र आए गए, लेकिन जो आवश्यक था हमने आपको दिया है। तो अंतिम रूप से कल जो इलेक्शन कमीशन से ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ उसके हिसाब से इसको हटाइएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। और हटाइए, और हटाइए, और हटाइए, पकड़ लीजिए, यह हमारे लिए भी खुशी की बात है। और जो हमारे शुभचिंतक जिज्ञासा रखते थे, विलंब होने से थोड़ा परेशान होते थे, उन सभी के लिए खुशी की बात है। जब हमने पार्टी का गठन किया था राष्ट्रीय लोक जनता दल, बाद में घोषणा के बाद कई लोगों ने, हालांकि उसका बहुत महत्व नहीं था लेकिन क्योंकि घटनाक्रम मिल जाता है, कई लोगों ने कहा कि तीन शब्द से अगर होता तो ज्यादा अच्छा था, राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा चार हो जाता है उसमें शब्द, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो यह पार्टी अब रजिस्टर्ड हो गई है। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, काम करने में भी आसानी होगी और बिहार देश भर लेकिन खासकर बिहार की जनता के भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है आगे। अब इसी नाम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम सब लोग हैं ही। अब लोकसभा का चुनाव सामने है तो लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में 40 में 40 इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। इस बात की तैयारी में हमारी पार्टी निरंतर लगी हुई है, तो काम चल ही रहा है और उसके हिसाब से इसमें जो देखिये अब चूंकि हमको पैनल देना था नाम का, तो आप देख रहे होंगे नंबर वन पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही हमने दिया है पहला नाम, लेकिन कुछ और नाम देना था तो लगा कि जो दिमाग में आया और साथियों की राय आई, समता से तो स्वाभाविक रूप से एक लगाव रहा है ना हम लोगों का, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने ज्ञान तो नहीं कहेंगे, जानकारी को बढ़ाइए, ऐसे सिंबल अलॉट नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का पूरा देखिए ना, गूगल पर तो आजकल लिखा रहता है कैसे अलॉट होता है, उस कागज को जो आप दिए उसको पूरा पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कैसे अलॉट होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ सिंबल थोड़े मिल जाता है, सिंबल मिलने की एक प्रक्रिया है, अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिंबल मिलने की प्रक्रिया अब होगी, मिल जाएगा सिंबल, ऐसा नहीं होता है ना कि रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके साथ सिंबल मिल गया, ऐसा थोड़े होता है। अच्छा, ये आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव, कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो 40 सीट पर है, क्योंकि जहां हम लड़ेंगे वहां भी जहां हमारे पार्टनर मतलब एनडीए गठबंधन के
दूसरे दल के साथ ही लड़ेंगे, वहां भी हमारी तैयारी जरूरी है। तैयारी तो सब जगह है, हमारी पार्टी कितनी जगह पर लड़ेगी यह तय होगा एनडीए गठबंधन में, फिर हम बता पाएंगे ना। 10 सीट बोला जा रहा है, 10 सीट गैप छोड़ा जा रहा है, अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो 10 सीट बीजेपी जेडीयू को छोड़ दिया जाए तो 10 सीट कहा जा रहा है, पहले 6 था। कहा जा रहा है मतलब कहां से कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है, चर्चा का क्या मतलब, कहा जा रहा है इसका तो कोई आधार ही नहीं है, कहा जा रहा है क्या बोलते हैं। देखिये उम्मीद की चर्चा इस मंच से नहीं की जा सकती, जहाँ जिस टेबल पर चर्चा की जरूरत होगी वहाँ हमने बताएंगे कि कितना चाहिए या कितनी सीट उम्मीद, वहाँ की बात यहाँ कभी सही है। एक सवाल है कि आपके पार्टी के गठन के साथ ही उसी समय करीब करीब जन स्वराज मोर्चा का भी गठन हुआ था, उनको निबंधन बहुत पहले मिल गया, आपके निबंधन में इतना विलंब का मूल कारण क्या? अब ये कोई तुलना का मतलब है क्या? नहीं, नहीं। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसमें तुलना क्या होता है? नहीं, कई पार्टियों को निबंधन चुनाव में भाई दा हमने जिस समय आवेदन किया उस समय देश भर से और लोगों ने आवेदन किया होगा तो सबको एक ही दिन मिल जाएगा क्या? एक प्रक्रिया होती है। आपने कई बार कहा है अपने इंटरव्यू में भी कि पिछले बार हम लोग 3 सीट पे लड़े थे, उम्मीद है कि 3 सीट पे इस बार भी लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि 3 सीट? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम इतनी सीटों पर लड़े थे वो तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन उसके अनुसार हम इतनी सीट पर लड़ेंगे लड़ना चाहते हैं ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अब कितनी सीटों पर लड़ेंगे तय होगा तो बता पाए। तो अभी कहाँ हम गए हैं दिल्ली? अरे कुछ दिन पहले गए थे, तो कुछ दिन पहले गए उस दिन का क्या विषय था नहीं विषय था तब तक आपसे मुलाकात हो गई, आप सवाल भी। उपेंद्र जी, नरेंद्र मोदी ने कल कहा अपनी जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें कि अब कमल छाप को देखना है, 370 पार और एनडीए के लिए बोला है 400+, तो क्या ये 30 सीटों पर ही पूरे देश में समाहित हो, मैंने सारा गठबंधन अलायंस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए पूरे देश के संदर्भ में क्या है उतनी जानकारी मुझको नहीं है और न उतना जानने की जरूरत है। अभी बिहार के संदर्भ में क्या है यही अभी तत्काल हम लोग की सीमा है। कमल छाप, अच्छा भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी ना वो? कमल छाप बोला है उन्होंने, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मीटिंग होगी तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मीटिंग थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की बात की, और भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल छाप बीजेपी, तो वहाँ उसी पार्टी की मीटिंग थी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, इसमें क्या गलत है? आपके संबंध नीतीश जी से फिर मधुर हो गए? अच्छा नीतीश जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध कब मधुर नहीं था, इस गलत भावी में किसी को नहीं आना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है लेकिन राजनीतिक चीजें अपनी जगह होती है, तो उसके आधार पे जो जो बात हमने नीतीश जी से कही थी जब हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी सारी बातें हमारी सच साबित हुई, हमने बार बार उनको कहा कि आप जिस तरफ रास्ता कदम आपने बढ़ा दिया है वह कदम गलत जगह आपने बढ़ा दिया है, वह ठीक नहीं है। हमने तो यह भी कहा कि आप कितनी परेशानी में है नीतीश जी, वहां ज्यादा दिन वहां रहेंगे तो नीतीश जी की आयु कम हो जाएगी, हम बार बार बोलते थे और सच में हम अंदर से हम बात बोलते थे, उनका चेहरा देखकर मुझको लगता था तरस आती थी, तो व्यक्तिगत जो रिश्ता उनसे रहा है इस बात के कारण उनका चेहरा देखकर मुझको भी अंदर से दया का भाव आता था, तो इसलिए हम ऐसी बात बोलते थे, इसलिए संबंध था, लेकिन राजनीतिक चीजें अपने हिसाब से होती हैं और व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।